हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल फैसल सरज एकेडमी जैसे कि आप सबको पता है कि बी जी फिफ्थ सेमेस्टर बैच टू का जो इवॉलेशन स्टेटस है उसमें बहुत डिले हो रहा है तो इसका क्या रीज़न है क्यों डिले हो रहा है और दूसरी बात यह है कि फिफ्थ सेमिस्टर का री एग्जामिनेशन का जो आप लोगों ने बहुत मैसेज किए हैं बोला कि सर ये क्या मसला है री एग्ज़ामिनेशन और किन पेपर्स का री एग्ज़ाम होगा और बी जी फिफ्थ सेमिस्टर का इवालवेशन स्टेटस डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा है इसको डिले क्यों किया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वजह से इस वीडियो में हम जान लेंगे वीडियो को लास्ट तक देखना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें हर एक बात से हर एक अपडेट से जो आपके लिए जरूरी होगी और वहाँ से हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन करके रखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वहाँ से आप वाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जो ऑफिशियल अपडेट है री एग्जामिशन ऑफ बी जी फिफ्थ सेमेस्टर बैच टू एंड बैकलॉग बेच टू थाउजेंड एटीन उसकी भी नोटिफिकेशन में आपको नीचे पिन करके रखूँगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप पढ़ सकते हो तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर है आप पास करके पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो जो यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर इस डेट पे हुआ था थर्टी वन वन जीरो टू जीरो टू टू तो यहाँ पे जो पेपर हुआ था इस समय पे उसको री एग्जाम किया जाएगा उस पेपर को विच इज़ मैथमेटिक्स इंटाइटल प्लान एंड सॉलिड ज्योमेट्री इस डेट पर जो है फ्राइडे को इसका री एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यानी चार नवंबर 2022 को फ्राइडे को जो है मैथामेटिक्स का पेपर री एग्जाम इसका हो सकता है बीजी फिफ्थ सेमेस्टर और इसमें यह भी लिखा है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है जिनकी अच्छी परसेंटेज बन सकती है अपने हिसाब से जो उन्होंने मार्किंग रखी होगी या जिनको लग रहा है कि हमारा पेपर जो है वर्स्ट हुआ है तो वो दोबारा दे सकते हैं जो स्टूडेंट्स चाहते हैं हम फिर से मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दें चाहे इसका पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो या किसी स्टूडेंट को अगर लग रहा है कि मैंने पहली अटैम्प्ट में पहले जब हमने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ से हमने अच्छे मार्क्स बनाए हैं तो वो नहीं दे सकता है आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज करके कि दैट इज़ द रीज़न कि फिफ्थ सेमिस्टर का इवालवेशन स्टेटस जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो उसमें जो है मैथमेटिक्स का पेपर जो यहाँ पर है आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है हो सकता है ऐसा भी कि जब आपका पेपर हुआ हो मैथामेटिक्स का तो वो आउट ऑफ सिलेबस हुआ होगा तो इसलिए इसका री एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद आपका इवालवेशन स्टेटस निकल सकता है तो ये इसका मेन रीज़न होगा इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच